और कल के बाजार पर क्या रहे विशेष स्ट्रैटेजी समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, एक बात तो साफ है कि बाजारों के लिए संकेत ग्लोबल मार्केट से तो होंगी, हमारे अपने संकेत भी अहम होंगे, क्योंकि भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स मुश्किल से 15-20 पॉइंट नीचे थे, एकदम फ्लैट, यानी कि ग्लोबल मार्केट से बड़े उतार चढ़ाव की उम्मीद कम है। लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत इस बात की होगी कि रोल ओवर्स किस तरह के होते हैं, तो जून सीरीज में रोल ओवर्स जो होंगे उसके दम पर बाजार अपनी दिशा दशा तय करने की कोशिश करेंगे। और आज देखते हैं किस तरह का एक्शन बाजार में और शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से या खरीदारी के लिहाज से बनता हुआ दिखता है। जो बेस से बाजार का अब धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है, 15,200 अब निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 15,500 तक जाने की तैयारी निफ्टी की होती हुई दिख सकती है। तो अब रेंज आपके लिए 15,200 से 15,500 की बनेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 34,500 से 35,500 इस 1000 पॉइंट की रेंज को बैंक निफ्टी ट्रेड करने की कोशिश करेंगे और एक बार 35,500 के पार निकलने के बाद तेजी और भी बेहतरीन और भी ज्यादा होती हुई नजर आएगी। तो ओवरऑल दोनों ही इंडेक्स मजबूती के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं और मजबूती के साथ आगे बढ़ने को तैयार है कैश मार्केट के स्टॉक्स में। यहां पर भी कल आपको फिर से भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा और वहीं पर ट्रेडर्स को और फोकस करना चाहिए। तो कल का सेशन, नई सीरीज की शुरुआत एक और अच्छे नोट पर होने की पूरी पूरी उम्मीद आप कर सकते हैं।